हेलो दोस्तों, आज हम एक मज़ेदार सा रेसिपी बनाएंगे जो कि सूजी के सैंडविच के साथ साथ हम इसके जो चटनी है वो भी इसके साथ में ही बनाएंगे। बिना ऑयल के बस 20 मिनट में हमें मज़ेदार सा सैंडविच बना के तैयार करेंगे, वो भी सूजी से। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हमने कुछ हरे मटर लिया है, अब इसको उबाल लेंगे। बस 2 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे और इसको छान के अलग कर लेंगे। अब हमने 2 कप सूजी को ग्राइंड करके फाइन सा पाउडर जैसा बना लिया है। अब इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही डालने से ये अच्छे से घुलता है और सॉफ्ट भी होता है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी मिला के एक बैटर जैसा तैयार करेंगे और जितना पानी लगेगा हम उतना ही पानी देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल सके। इसको अच्छे से मिक्स करके एक लम्स फ्री बैटर बनाएंगे और ये ठीक लग रहा है तो इसमें और थोड़ा सा पानी दे देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि हम डोसा के बैटर बनाते हैं उस तरह से डोसा के बैटर से थोड़ा सा थिक बैटर बना के तैयार करेंगे। अब ये बैटर को कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करके लिया है। अब इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा ही जीरा पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच जितना चाट मसाला डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ही सफ़ेद वाला नमक और थोड़ा सा ही काला नमक डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई एक हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें कटे हुए टमाटो और प्याज डालेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें कटा हुआ हरी धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये आलू के स्टफिंग में हम 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा स्टफिंग बन के तैयार है। अब एक जार में हमने उबले हुए हरे मटर डाल दिए हैं। अब इसमें कटे हुए हरे धनिया पत्ता डाल देंगे। इस सैंडविच में चटनी का टेस्ट है इस वजह से हम ये सब डाल रहे हैं। अब इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अदरक लहसुन डालेंगे। छोटा सा अदरक को हमने काट लिया है और 3-4 कलियाँ लहसुन के लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल के अब इसको ग्राइंड करके हम पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से फाइन पेस्ट बना लिए हैं। अब सूजी को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गया है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फूल के ठीक हो गया है। अब देखिए, हमने जो हरे मटर और धनिया पत्ता का पेस्ट बना के रखे थे उसमें 2 चम्मच करके हम ये सूजी डालेंगे। सूजी में पहले हम नमक डाले थे इस वजह से हम इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं। अगर इसको टेस्ट करके देखेंगे, अगर नमक थोड़ा कम होगा तो फिर हम उसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। अब सूजी में हम थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे। बैटर हमारा थोड़ा सा ठीक है, अगर ये ठीक रहेगा तो ये अच्छे से फूलेंगे नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ही पानी डाल दिए हैं। अब इसमें चुटकी भर हम खाने वाला सोडा डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल के हम मिक्स कर लेंगे ताकि सोडा इसमें एक्टिव हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक केक टिन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाल के चारों साइड ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि हमने जो इसमें नाश्ता बनाएंगे वो अच्छे से निकल आए। अब देखिए, हमने चारों साइड से ऑयल लगा लिया है। अब इसमें ये बैटर को डालेंगे। पहले हमने जो व्हाइट वाला बैटर बनाए थे उसी को डालेंगे और इसको एक प्लेन कर लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखे थे उसमें एक स्टैंड रखेंगे और ये हमने जो बैटर भर के रखा है वो केक टिन को हम ये पानी के अंदर रखेंगे और कवर करके हम इसको पहले 5 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये अच्छे से पका नहीं है लेकिन हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। फिर हमने जो आलू के स्टफिंग बना के रखे थे उसको हम इसमें भर देंगे। अब इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथ से फैला लेना है चारों साइड। अब देखिए, हमने पूरा फैला लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो ग्रीन वाला चटनी रखे थे पहले उसमें थोड़ा सा ही खाने वाला सोडा डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर ये बैटर को उस स्टफिंग के ऊपर दे देंगे और अच्छे से फैला लेंगे जैसे कि ये स्टफिंग पूरा कवर हो जाए। उस तरह से हम भर लेना है। अगर चाहे तो केक टिन से थोड़ा सा कम करके हम डाल सकते थे। अब देखिए, हमने पूरा स्टफिंग भर लिया है। व्हाइट वाला स्टफिंग से हम थोड़ा पतला करके लेयर बनाएंगे। अब इसको फिर से स्टीम होने के लिए रखेंगे और जैसे हमने पहले रखे थे इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए हम पकाएंगे।
15 मिनट में जब ये अच्छे से पक जाए फिर हम उसको निकाल बाहर रखेंगे। जब हम पहले रखेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही हम 2-3 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, वो जो ऊपर का पार्ट है वो चिपचिपा नहीं रहेगा। अब देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिए हैं और ये कितने अच्छे से निकल आया है। अब देखिए ये सैंडविच बन के हमारा तैयार है। हम इसको कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसे जिस शेप में कटिंग करना चाहे कर सकते हो, लेकिन इसको धीरे से कटिंग करना है क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग भरा है। अब इसको धीरे से करके हम कटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं उसके अंदर का पार्ट। अब हमने इसको 6 पीस में कट किया है। इस सैंडविच खाने के लिए चटनी की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसको बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।